कोई उस तरह की बात नहीं। देखिए हम तो वेट कर रहे हैं, अलग अलग पार्टियां अलग अलग काम करती हैं, उन सब चीजों से हमारा कोई मतलब नहीं है। हम तो इच्छा हम तो यह काम करते रहते रात दिन, देखते नहीं हमारी सक्रियता को नहीं देखते हैं। अभी लोग को पूछिए, वहाँ सामने भी है, कहाँ कहाँ गए, कितना जगह घूम कर गया, हर जगह की समस्या को देख लिया और उसके निदान के लिए काम कर रहे हैं। तो हम तो काम में एंगेज्ड हैं। हमारी एक ही इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा दल एकजुट हो जाए। तो एक राउंड हम बात करके कराए हैं, अब यदा कदा बात होती रहती है, आज जब होगा तो उसके बाद ऐसे छोटा मोटा चीज के लिए कहाँ कहीं जाने का जरूरत। हमको उससे मतलब है, जो भी जिनको लगता है अपना पार्टी के लोग काम करते हैं तो करते ही रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ तो 7 पार्टियाँ एक साथ है, तो सब मिलकर के सारा काम कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। और बाकी कौन क्या करते हैं, उनकी जो इच्छा होती है करते हैं, सबको अधिकार है। लेकिन मेरा वहाँ पर पहुँच जाना ही कोई आवश्यक नहीं है। हम तो जब सब कुछ एकजुटता होगी उसी समय फिर जहाँ से लेकर के सब जगह जाने की जरूरत हो जाएंगे। हमारा कोई ख्वाहिश नहीं है व्यक्ति, अपने लिए हम कुछ नहीं चाहते, हम तो सबके हित में चाह रहे थे। जब जिस दिन हो जाएगा होगा, तो वेट कर रहे हैं। कांग्रेस से आपने अपील की थी सर कि कुछ बिल्कुल बिल्कुल हम तो बराबर किए ही हैं। अब आप जानते हैं अभी 2 बार हाल में मीटिंग कहे नहीं, सीपीएम का जो था हो रहा था तो भाई इसमें माले का उनको उनमें भी कह दिया, और हम लोगों का जो वहाँ पर मीटिंग 7 पटिया का हो रहा था उसमें भी हमने कह दिया था। कुछ रिस्पॉन्स तो कह ही रहे हैं, तो बाकी लोग आते हैं सब कह रहे हैं, पॉजिटिव बोल रहे हैं। अब क्या फाइनली करें, सब कुछ सोच करके तो होगा। जो क्या कर रहा है तुम न जाने, ये सब कौन चीज है, ये सब तो पहले भी किया है, तो कोई इशू है मेरी समझ से कोई खास इशू है। अब आप बताइए ना, तो हम आपको बता दिए 17 में हुआ था, फिर क्या हुआ, अब 5 साल के बाद फिर हो रहा है, और सब कुछ हो गया था क्या हुआ, काहे नहीं उस समय हुआ था। केसीआर की बेटी कविता को हम क्या बोले, एक आदमी का नाम ले लेंगे तो बिना मतलब बेचारे फिर कई चीज बोलते रहेंगे। अब हम हमारे लिए उचित नहीं है हम उनका नाम ले ले कि उन्हीं से जरा पूछिए कि क्या बात हुई थी, लेकिन हम नाम ले लेंगे बेचारे का तो ऐसे ही पीछे किए हुए रोज बोलना पड़ता है ना, उन लोगों को रोज बोलना पड़ता है। तब भी वो भी तो आपसे जानना चाहते हैं कि आप खामोश क्यों हैं इस पर, किस पर सुशील मोदी जानना चाहते हैं आपसे कि आप चुप क्यों हैं इस पर, क्यों चुप पर सुशील मोदी क्या चीज करते हैं इसको छोड़िए ना, सुशील मोदी नहीं बोलेंगे बेचारे रोज, उनको तो रोज बोलना ही ना है। हम क्या चाहते थे बोलिए, तब हम क्या बोले, एक बार तो बोल चुके हैं ना सब जी।